पाकिस्तानी सिनेमा के लेजेंडरी हिदायतकार हसन अस्करी 30 अक्टूबर 2023 को लाहौर में इंतकाल कर गए। हाल ही में उनके फेफड़ों में कैंसर की तशखीस हुई थी, जिसके बाद वो कई रोज शेख जैद अस्पताल में दाखिल रहे, ताहम वो इस बीमारी से ज्यादा दिन नहीं लड़ सके। हसन अस्करी के क्रेडिट पर वैशी जट जैसी कामयाब एक्शन फिल्म है, जिसका सीक्वल मौला जट बना। इस फिल्म के बाद ही एक्शन पंजाबी सिनेमा के एक नए अहद की इब्तदा हुई। हसन अस्करी की बेशुमार फिल्में ऐसी हैं जिन्हें क्लासिक्स में शुमार किया जाता है। सलाखे से शुरू होने वाला अहद अस्करी, आग, किनारा, एक दूजे के लिए, दूरियां, बेकरार, तलाश, मेला, पुत्र जगेता, खजाना, दिल किसी का दोस्त नहीं, जन्नत की तलाश और तेरे प्यार में तक जारी रहा। हसन अस्करी मरहूम ने 1967 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी और अंग्रेजी अदब में मास्टर कर रहे थे कि इस दौरान उन्होंने फिल्म लाइन ज्वाइन कर ली और अपना पूरा वक्त फिल्म इंडस्ट्री को देने के बायस मास्टर्स कंप्लीट ना कर सके। हसन अस्करी ने जब बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम शुरू किया तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो उर्दू फिल्मों में अपना करियर बनाएं, लेकिन उस जमाने में हसन तारिक, नजरुल इस्लाम, परवेज मलिक, एस एम यूसुफ, एस सुलेमान जैसे चोटी के हिदायतकारों का तूती बोल रहा था। लिहाजा उन्होंने पंजाबी फिल्म बनाने का इरादा किया और अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अदाकार सुधीर और फिरदौस से किया, जिनके साथ वो कई फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके थे। सुधीर ने उन्हें फिल्म साज तारिक मसूद कुरैशी से मिलवा दिया, जिनके तवसत से हसन अस्करी साहब को पहली फिल्म खून पसीना डायरेक्ट करने को मिली। बतौर हिदायतकार हसन अस्करी मरहूम की पहली फिल्म खून पसीना ईद उल अजहा के मौके पर 27 जनवरी 1972 को रिलीज हुई। पंजाबी जुबान में बनने वाली इस फिल्म की कास्ट में सुधीर, फिरदौस और सुल्तान रही शामिल थे। सुधीर तो हसन अस्करी की सलाहियतों से वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने इस फिल्म को मुकम्मल कराने में हर मुमकिन तआवुन किया। ताहम सुल्तान राही को ये फिल्म साइन करते हुए कुछ तहफ्फुज़ात थे। उसकी वजह ये थी कि बाबुल और बशीरा की कामयाबी के बाद वो मरकजी किरदारों में कास्ट किए जाने लगे थे और खून पसीना में वो सुधीर के मुकाबले सानवी किरदार में थे। सुल्तान राही का यह ख्याल था कि ये फिल्म करके वो एक बार फिर पीछे जा सकते हैं, लेकिन जब सुधीर ने उन्हें समझाया तो वो मान गए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद सुल्तान राही हसन अस्करी की हर फिल्म में नजर आने लगे, यहाँ तक कि उर्दू फिल्म आग में सुल्तान राही को उनकी इमेज से हटकर मुनफरद किरदार करने को मिला। अलबत्ता फिरदौस बेगम ने खून पसीना की शूटिंग्स के दौरान हसन अस्करी को इस कदर तंग किया कि उन्होंने आइंदा फिरदौस के साथ काम करने से तौबा कर ली। खून पसीना की कामयाबी के बाद हसन अस्करी ने सरदर्दी बाजी, हीरा, गैरत दरनिशान जैसी फिल्में बनाईं जो औस दर्जे की साबित हुईं। इन तीनों फिल्मों की हीरोइंस रोजीना और आलिया थीं। उनकी पांचवी फिल्म वैशी जट थी, जो कि अहमद नदीम कासमी के नॉवेल गंडासा से माखूज थी। वैशी जट वो फिल्म है कि जिसने सही मानों में हसन अस्करी के कैरियर को दवाम बख्शा। इस फिल्म में ना सिर्फ नासिर अदीब जैसे कामयाब फिल्मी मुसन्निफ को दरियाफ्त किया बल्कि सुल्तान राही समेत कई लोगों का कैरियर बना दिया। वैशी जट ना बनती तो मौला जट का तस्वर ना होता और आज दुनिया द लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में ना जान पाती। ये सारा क्रेडिट हसन अस्करी को जाता है, उन्होंने वैशी जट जैसी क्लासिक फिल्म बनाकर मौला जट का तस्वर दिया। वैशी जट की कास्ट में सुल्तान राही, आसिया, गजाला, इकबाल हसन वगैरह थे। ये फिल्म 8 अगस्त 1975 को रिलीज हुई और लाहौर में अपने मेन सिनेमा कैपिटल पर 15 हफ्ते चली, जबकि लाहौर सर्किट में गोल्डन जुबली से हमकिनार हुई। सफदर हुसैन की मौसीकी में इस फिल्म के गाने भी बेहद मकबूल हुए। वैशी जट की बात हसन अस्करी ने अपनी जाती फिल्म तूफान बनाई। उर्दू फिल्मों के मिजाज की इस फिल्म ने कैपिटल सिनेमा लाहौर में 11 हफ्तों के साथ मजमूई तौर पर लाहौर में 35 हफ्ते मुकम्मल किए। इस फिल्म की कास्ट में सुल्तान राही, इकबाल हसन, मुस्तफा कुरैशी और आसिया नुमाया थे। इनकी दूसरी जाती फिल्म कानून भी कामयाब रही, जिसकी कास्ट में सुल्तान राही, आसिया, नजमा और मुस्तफा कुरैशी थे। पंजाबी फिल्म आखिरी मैदान बॉक्स ऑफिस पर कदरे नरम गई, इसके कास्ट में भी सुल्तान राही, आसिया और मुस्तफा कुरैशी नुमाया थे। पंजाबी फिल्मों में अपनी धाक बिठाने के बाद हसन अस्करी ने अपने दोस्त प्रोड्यूसर तारिक मसूद कुरैशी से कहा कि वो उर्दू फिल्म बनाना चाहते हैं। इनके जहन में फ्रांसीसी नावल निगार विक्टर होगो का क्लासिक नावल ले मिजरेबल था। ये नावल इनकलाब फ्रांस के पस मंजर में लिखा गया था। हसन अस्करी ने इसका स्क्रिप्ट रियाज अरशद से लिखवा रखा था। फिल्म साज तारिक मसूद कुरैशी ने ये जानते हुए भी कि ये स्क्रिप्ट रिवायती फिल्मों से हटकर है जिसमें कोई हीरो भी नहीं है, उन्होंने हसन अस्करी पर भरोसा करते हुए इस फिल्म में सरमायाकारी का फैसला कर लिया। सलाखें की जब कास्टिंग शुरू हुई तो उर्दू फिल्मों का कोई अदाकार हसन अस्करी के साथ काम करने को तैयार न था।
क्योंकि वो समझते थे हसन अस्करी पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर हैं जिन्होंने वहशी जट जैसी पुरतशद्दुद फिल्म बनाई है। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने मोहम्मद अली को मरकजी किरदार के लिए आमादा किया। बाबर शरीफ ने भी इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्हें मोहम्मद अली साहब ने मशहूर तौर पर आमादा कर लिया कि अगर उन्हें हसन अस्करी के काम करने का अंदाज पसंद नहीं आया तो वो दोनों एक साथ ये फिल्म छोड़ देंगे। सलाखें 23 दिसंबर 1977 को रिलीज हुई और सुपरहिट बिजनेस किया। कमाल अहमद की मौसीकी में इस फिल्म के गाने भी बेहद मकबूल हुए। सलाखे ने लाहौर में अपने मेन सिनेमा शबिस्तान पर 12 हफ्तों के साथ सिल्वर जुबली की, जबकि कराची में अपने मेन सिनेमा पैराडाइज पर 15 हफ्तों के साथ गोल्डन जुबली का एजाज अपने नाम किया। 1979 में हसन अस्करी की 3 फिल्में रिलीज हुई, जीनी की सजा और आग उर्दू, जबकि जड़ तक खड़ाक पंजाबी में थी। आग मुनफरिद अंदाज की रोमांटिक फिल्म थी। ये एक टीन एज कपल की लव स्टोरी थी जिसमें बाबर शरीफ ने बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया। दीगर कास्ट में मोहम्मद अली, सुल्तान रहीम, रेहान, आसिया, शाहिद, अशर वगैरह ने भी मुनफरिद के दारों में जान डाल दी। इसके बाद इनकी पंजाबी फिल्म मुफ्त बार रिलीज हुई जिसने मुनासिब बिजनेस किया। 1982 में रिलीज होने वाली कराना को हसन असीर की सेमी आर्ट फिल्म माना जाता है। इस फिल्म का मौजू बेहद हसास था। कास्ट में रानी, मोहम्मद अली और सुल्तान रही शामिल थे। 6 मई 1983 को रिलीज होने वाली एक दूजे के लिए एक दिलकश रोमांटिक फिल्म साबित हुई। कास्ट में मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ, अयाज नुमाया थे। ये फिल्म गोल्डन जुबली हिट करार पाई। 13 अप्रैल 1984 को रिलीज होने वाली उर्दू फिल्म दूरिया के फिल्मसाज सज्जाद गुल थे। कास्ट में शबनम, फैसल और मोहम्मद अली नुमाया थे। दूरिया ने लाहौर में अपने मेन सिनेमा प्रिंस पर 11 हफ्तों के साथ लाहौर में सिल्वर जुबली मुकम्मल की, जबकि कराची में इस फिल्म का मेन सिनेमा प्लाजा था जहां दूरिया ने 7 हफ्ते जबकि सर्किट में 46 हफ्ते मुकम्मल किए। इसके बाद के सालों में हसन असरी की फिल्मों में 2 हथकड़ियाँ, हम और तुम, बेकरार, अकबर खान, तलाश, मेला, एक सी डाकू, नजात, सोने की तलाश, मफरूर, कातिल, शेरबाज खान, पुत्र जगेदा, शेरदिल, गंडासा, रियाज गुजर, अब्दुल्ला दी ग्रेट, पतन, अच्छा शोकर वाला, इरादा, बेताज बादशाह, आन, खजाना, जीने दो, सबूत, दो जीदार, दिल किसी का दोस्त नहीं, जन्नत की तलाश, जज्बा, चौधरानी, कहाँ है कानून, तेरे प्यार में, बदमाश पुत्र, एक जग्गा होर, चलो इश्क लड़ाएं, वरियाम, ससी पुन्नू, बाऊ बदमाश, बसंती, दिल पराए देश में और दास्तान शामिल हैं। हसन अस्करी मरहूम ने कुल 58 फिल्मों की डायरेक्शन दी जिनमें 32 पंजाबी, 18 उर्दू और 2 पश्तो जबान की फिल्में शामिल हैं। इनकी आखिरी फिल्म दास्तान पश्तो जबान में 2014 में रिलीज हुई थी जिसकी कास्ट में शाहिद खान और सोबिया खान शामिल थे। इनके क्लासिक फिल्मों में मेला का जिक्र जरूर किया जाता है जिसमें अदाकारा अंजुमन ने बगैर मेकअप काम किया। लाहौर में इस फिल्म का मेन सिनेमा शबिस्तान था और सेमी आर्ट फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म ने सिल्वर जुबली की। सुल्तान अली नादरा और गुलाम मोहिद्दीन जैसे सितारों से सजी पंजाबी फिल्म मफरूर भी उनकी एक कामयाब और यादगार फिल्म मानी जाती है। 1995 की रिलीज खजाना गो के बॉक्स ऑफिस पर कोई धमाका न कर सकी, तहम हसन अस्करी की डायरेक्शन और इजहार काजी और नदीम जैसे मजबूत अदाकारों की परफॉर्मेंस की वजह से ये फिल्म नाकाबिले फरामोश का दर्जा पा गई। 1997 की रिलीज दिल किसी का दोस्त नहीं बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। इसकी कास्ट में सऊद, साइमा और अरबाज खान थे। दिल किसी का दोस्त नहीं लाहौर में अपने मेन सिनेमा कैपिटल पर 13 हफ्ते जेर नुमाइश रही, जबकि लाहौर में 36 हफ्ते पूरे करते हुए सिल्वर जुबली बनाई। अगर ये उसका हो गया जो हमारा नहीं है, ये दिल हमारा दुश्मन निकला, ये दिल हमारा दुश्मन निकला, ये दिल किसी का दोस्त नहीं राजा साहब, ये दिल किसी का दोस्त नहीं, ये दिल जो आप पे आ गया, क्या दिया उसने हमें जख्मों के सिवा, किरची किरची कर दिया है हमारे दिल को, आज वो तमाम किरचियां समेट कर हम आपके पास आए हैं, ये आपको यकीन दिलाएंगे कि मोहब्बत जिस्म से नहीं रूह से की जाती है।
आप हमारे बगैर जी सकते हैं, लेकिन हम आपके बगैर मर जाएंगे, मर जाएंगे। 1999 में रिलीज होने वाली फिल्म जन्नत की तलाश तकसीम हिंद के पस मंजर में बनने वाली एक मुनफरिद रोमांटिक फिल्म थी। ये फिल्म अपने मौजू की वजह से ऑडियंस हजम न कर सकी। कास्ट में शान और रेशम मरकजी किरदारों में थे। 1999 में रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म चौधरानी से अदाकारा अंजुमन की फिल्मी दुनिया में वापसी हुई। ये सेहरा भी हसन अस्करी साहब के सर सजा। तेरे प्यार में को हसन अस्करी के करियर की आखिरी बड़ी फिल्म माना जाता है। इसके बाद वो अपना मयार बरकरार ना रख सके। तेरे प्यार में एक हिंदुस्तानी लड़की की पाकिस्तानी हीरो से मोहब्बत की कहानी है और उस जमाने में बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म में मुसलमान लड़की की हिंदू लड़के से मोहब्बत दिखाने का ट्रेंड आम था, जिसका जवाब हमारे फिल्म मेकर्स ने बड़े भरपूर अंदाज में दिया। तेरे प्यार में की कास्ट में शान, जारा शेख और वीना मलिक शामिल थे। दोनों हीरो ने इस फिल्म की कामयाबी के बाद स्टार बन गई। तेरे प्यार में ने लाहौर में अपने मेन सिनेमा गुलिस्तान पर 43 हफ्ते जेर नुमाइश रहने का रिकॉर्ड बनाया। मजमुई तौर पर इस फिल्म में लाहौर में 100 हफ्ते पूरे किए। कराची में इस फिल्म का मेन सिनेमा प्रिंस था, जहां ये 13 हफ्ते जेर नुमाइश रही, जबकि मजमुई तौर पर 41 हफ्ते पूरे किए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सुपरहिट पंजाबी फिल्म साला साहब के अव्वलीन डायरेक्टर भी हसन अस्करी थे। उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रिप्ट रेडी किया और कुछ सीन्स भी शूट कर लिए थे, लेकिन बाज मामलात पर फिल्म साज से इख्तलाफात के बाइस वो इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए और बाद अजां ये फिल्म अल्ताफ हुसैन ने मुकम्मल करवाई। हसन अस्करी के अचानक इंतकाल के सबब उनकी 3 जेरे अल्तवा फिल्में शायद अब कभी रिलीज ना हो पाएं। उनमें से 2 फिल्में बैड बॉयज और चांद यहरा का काफ़ी सारा काम मुकम्मल किया जा चुका था, जबकि एक पंजाबी फिल्म नेवर माइंड जट्टा का अभी स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था। हसन अस्करी बिलाशुबा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से थे जिन्हें फिल्म मेकिंग का शऊर था और उनका स्कूल ऑफ थॉट रिवायती पाकिस्तानी सिनेमा से यकसर मुख्तलिफ था। आज वो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन इनकी फिल्में उन्हें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रखेंगी।